अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम कराची टुडे और मैं हूं आपका मेज़बान बिलाल खान। सबसे पहले शामिल कर लेते हैं टॉप स्टोरी। शहर कायद पर हुक्मरानी की जंग, पीपल्स पार्टी ने मैदान मार लिया। पीपल्स पार्टी के मुर्तज़ा वहाब मेयर कराची मुंतखब, सलमान अब्दुल्ला मुराद डेप्टी मेयर मुंतखब। मुर्तज़ा वहाब को 173 वोट मिले जबकि हाफिज नईम को 160 वोट मिले हैं। पीटीआई के 30 मुनहरिफ अराकीन पोलिंग स्टेशन नहीं पहुंचे। जमात इस्लामी ने मेयर कराची के इंतखाबी नताइश मुस्तरद कर दिए। हाफिज नईम ने कहा कि कराची के मैंडेट पर डाका पीपल्स पार्टी के लिए अच्छा नहीं होगा। यह भी कहा कि मुंतखब नुमाइंदों को गिरफ्तार करना है तो मुझे ही गिरफ्तार कर लें। जबकि हाफिज नईम ने मजीद ये कहा कि ऐवान, अदालत और सड़क तीनों ऑप्शन मौजूद हैं, हिकमत अमली बाद में बताई जाएगी। जमात इस्लामी ने कल मुल्क भर में यौम सियाह मनाने का ऐलान भी कर दिया। जबकि सिंध में मेयर के तमाम 6 अहदों पर पीपल्स पार्टी कामयाब रही है। सिंध के 22 में से 20 जिले काउंसिल्स में पीपल्स पार्टी के चेयरमैन मुंतखब। सिंध की 143 टाउन कमेटीज में से 129 में पीपल्स पार्टी के चेयरमैन मुंतखब। जबकि 44 टाउन म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में 27 में पीपल्स पार्टी कामयाब। जबकि शर्जील इनाम मेमन ने कहा कि अवाम ने फैसला दे दिया कि वो तरक्याती काम करने वालों के साथ हैं। आर्ट्स काउंसिल के बाहर हालात कशीदा भी दिखाई दिए आज, जबकि कई अफराद जख्मी और गिरफ्तारियां भी की गई। जबकि कराची में मेयर के इलेक्शन में पीपल्स पार्टी और जमात इस्लामी के कारकुनान आमने सामने आ गए। मेयर कराची के इलेक्शन के मौके पर पीपल्स पार्टी और जमात इस्लामी के कारकुनान में तसादुम भी हुआ। पुलिस रेंजर्स को बदअमनी फैलाने वालों को गिरफ्तार करने की हिदायत जारी की गई। जबकि आसिफ अली जरदारी की मुर्तजा वहाब को मुबारकबाद भी सामने आई। पीपल्स पार्टी ने सिंध भर में क्लीन स्वीप कर लिया, शर्जील इनाम मेमन एक बार फिर बोल पड़े। जबकि आज के प्रोग्राम के अंदर समुद्री तूफान के हवाले से भी आपको बताएंगे कि आज पाकिस्तान में दाखिल होने का इम्कान। जबकि केटी बंदर और उसके अतराफ लहरें 8 से 12 फीट बुलंद हो सकती हैं। केटी बंदर और गर्दोनिवाह से 12 अफराद महफूज मुकाम पर मुंतकिल कर लिए गए हैं। जबकि समुद्री तूफान बिपरजॉय पाकिस्तानी हदूद में दाखिल हो चुका है। कराची में तूफान की जद जो इस पर आ चुका है और अर्बन फ्लडिंग का खतरा भी जाहिर किया जा रहा है। कराची बराह रास्त तूफान की जद में नहीं है। शहरी रहमान साहिबा ने भी आज जो है वो कमेंट किया है, ये भी कहा कि आवाम से अपील है कि फिलहाल साहिल पर ना जाएं। अफवाज पाकिस्तान और रेंजर्स भी इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ अमल हैं। मुख्तलिफ इलाकों से हज़ारों अफराद की महफूज मुकामात पर मुंतकली भी जो की जा चुकी है। गवर्नर सिंध की जानिब से तूफान मुतासरीन के लिए खाना रवाना कर दिया गया आज। जबकि कराची के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की तो कहीं तेज़ बारिश शुरू हुई। महकमा मौसमियात ने तूफान के पेश नज़र शहर में आज 50 मिलीमीटर बारिश का इम्कान जाहिर किया था। कराची और हैदराबाद में आज और कल भी मूसलाधार बारिश का इम्कान जाहिर किया जा चुका है। जबकि कराची में तूफान बिपरजॉय की जद में बराह रास्त नहीं आने के इम्कान हैं, शरीफ रहमान साहिबा ने यह वाज़ेह किया। ये भी कहा कि तूफान के करीब पहुंचते ही कमर्शियल फ्लाइट्स को रोक दिया जाएगा। आगाज कर लेते हैं मेयर कराची के हवाले से। ये जंग 15 जनवरी को जो है इसका आगाज़ हुआ था। अब हमने देखा कि आज मेयर के इंतखाब के लिए पीपल्स पार्टी और जमात इस्लामी आमने सामने थे। जबकि पीपल्स पार्टी के मुर्तज़ा वहाब जो कि मेयर के कैंडिडेट थे 173 वोट लेकर मेयर कराची मुंतखब हुए। जमात इस्लामी ने इस रिज़ल्ट को मुस्रद करने का ऐलान किया है और हाफिज़ नईम रहमान साहब जो कि जमात इस्लामी के कैंडिडेट थे मेयर के लिए, उनको 160 वोट मिले हैं। इस तरह मुर्तज़ा वहाब को 13 इजाफी वोट लेकर जो है वो मुंतखब किया गया है। जीत का सहरा उनके सर पे सजा है। और पीपल्स पार्टी के जो डेप्टी मेयर हैं वो सलमान मुराद अब्दुल्ला जो है वो नॉमिनेट हो चुके हैं, बन चुके हैं। और पीटीआई के 30 मुनहरिफ अराकीन की अगर बात कर ली जाए तो उन्होंने वोट कास्ट ना करने का फैसला किया और वह पोलिंग स्टेशन भी नहीं पहुँचे। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये जो इस वक्त इलेक्शन हुए और इलेक्शन के बाद नताइज आए और आज मेयर का इंतखाब हुआ और फिर जो बातें की जा रही थी कि पीपल्स पार्टी को वोट दें या ना दें पीटीआई के मुनहरिफ अराकीन, लेकिन जमात इस्लामी के ऊपर सारा इंतजार था। पीटीआई के जो मुंतखब अराकीन थे जमात इस्लामी उनकी तरफ देख रही थी कि ये वोट देंगे ज़रूर, क्योंकि पार्टी पॉलिसी थी, पार्टी का भी जो है वो फैसला सामने आया है। इन तमाम चीज़ों पर बात कर लेते हैं। एक तरफ हमारे साथ जमात इस्लामी से मुस्लिम परवेज़ साहब हैं, आपका बहुत शुक्रिया। दूसरी तरफ पीपल्स पार्टी से वज़ीर आला सिंध के मामले खुसूसी इकबाल सान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इकबाल साहब, आपसे मैं आगाज़ करना चाहूँगा गुफ्तगू का। मुबारक हो कि पीपल्स पार्टी का जियाला मेयर जिसका तस्करा किया था बिलावल भुट्टो जरदारी ने कराची के अंदर जलसे के अंदर के जियाला ही मेयर होगा, आप लोगों के दरमियान में से जो है मेयर बनाया जाएगा। फिर हम देखते हैं कि कानून में तरमीम की गई, मुर्तज़ा वहाब के उस वक्त तक कोई चांसेस नहीं थे, नजमी आलम साहब का नाम सामने आ रहा था। फिर कानून में जो तब्दीली करने के बाद मुर्तज़ा वहाब को कैंडिडेट बनाया गया, आज वो मुर्तज़ा वहाब मेयर कराची बन चुके हैं। ये तमाम चीज़ों का जो सफ़र है ये 15 जून से अब तक जो है 15 जनवरी से अब तक जो है वो चलता रहा है, क्या कहेंगे पहला कमेंट अपनी जीत पर? जी, पहले तो मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करूंगा आपको, देखने वालों को, सबको, सुनने वालों को, मेरे
जमात इस्लामी के साथी को सबको अस्सलाम वालेकुम। और अल्लाह ताला के शुक्र अदा करने के बाद शहर कराची के लोगों का जिन्होंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को मैंडेट दिया, मैं समझता हूँ कि ये सारी सूरत हाल आज जिसका एंड हुआ है इसमें जमात इस्लामी के दोस्त बजाय तो नाला नजर आते हैं लेकिन नाराजगी वो पीपल्स पार्टी के साथ उसका इजहार करते हैं, जबकि उसूली तौर पर उनको नाराजगी का इजहार तहरीक इंसाफ के साथ करना चाहिए, क्योंकि तहरीक इंसाफ के वोट की दिलवाने की जिम्मेदारी पीपल्स पार्टी की नहीं थी, वो उनका और तहरीक इंसाफ का एग्रीमेंट था। अब जब तीन सरकार तहरीक इंसाफ के ऐवान में नहीं आए, उन्होंने जमात इस्लामी को वोट देने का इजहार नहीं किया, तो इसकी जिम्मेदार पीपल्स पार्टी कहीं से भी नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि वो एग्रीमेंट जो इन्होंने तहरीक इंसाफ के साथ किया था और मुझ जैसे पॉलिटिकल वर्कर ने कहा था कि तहरीक इंसाफ के लोग आपको धोखा देंगे और ये एग्रीमेंट आपके किसी खाते में नहीं रहेगा और ये एग्रीमेंट लेकर आप घूमते रहेंगे और तहरीक इंसाफ अपने ही लोगों के खिलाफ कोई एक्शन भी नहीं लेगी आने वाले दिनों में। ये बिल्कुल इसी तरह है जिस तरह कौमी असम्बली की 25 सरकार आज भी कौमी असम्बली में के अंदर मौजूद है, जो तहरीक इंसाफ की रिजर्व सीट पर तहरीक इंसाफ के टिकट पर MP MNAs बने थे, तो वो MNAs जो कौमी असम्बली में मौजूद है बिल्कुल इसी तरह ये यूसी चेयरमैन भी सिटी काउंसिल के अंदर इसी तरह मौजूद रहेंगे और तहरीक इंसाफ इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करेगी। मेरा पहले दिन से बिलाल ये मौकफ है और ये तहरीक इंसाफ और ये जमात इस्लामी जो आज तहरीक इंसाफ के लिए तहरीक इंसाफ की हमदर्दी में तहरीक इंसाफ के साथ बिल्कुल इजारे यकजहती के साथ इस तरह निकल पड़ी है जिस तरह तहरीक इंसाफ भी खुद अपने साथ मौजूद नहीं है। तो यहाँ इस सारी सूरत हाल को देखते हुए कि जहाँ 30 अरकान सिटी काउंसिल ने जमात इस्लामी के साथ नाराजगी का इजहार किया था, उन्होंने कहा था कि जमात इस्लामी मुनाफिकाना सियासत करती है, एक तरफ हमारे लोगों के खिलाफ FIR काटते हैं दूसरी तरफ वोट के लिए हमारे रस आते हैं, हमने अपनी क़यादत से कह दिया था कि हम जमात इस्लामी के साथ हमारे तहफ़ुज़ात हैं, हम जमात इस्लामी को वोट नहीं करेंगे। और जमात इस्लामी के मेयर मोहतरम सिराजुल हक साहब जो है गुज़िश्ता कई दिनों से तहरीक इंसाफ की क़यादत को हदब तनकीद का निशाना भी बना रहे हैं। तो ये सारी सूरत हाल सामने रखते हुए एक तरफ पूरे पाकिस्तान में जमात इस्लामी का मौक़िफ़ डिफरेंट है तहरीक इंसाफ के लिए, और चूंकि हाफिज़ नईम उर रहमान को मेयर बनना था तो वो 9 मई के वाक़ियात हों या तहरीक इंसाफ की वो जो मुल्क दुश्मन कार्रवाइयाँ थी वो सब पे एक तरफ रखकर तहरीक इंसाफ इतनी उतावली हो चली थी कि इनको हर सूरत तहरीक इंसाफ के वोट चाहिए थे और मेयर कराची हाफिज़ उन नईम उर रहमान को है वो बनाना चाहती थी जो मुमकिन ना हो सका। पीपल्स पार्टी का जो स्टेट था पीपल्स पार्टी ने अपने वोट लिए, पीपल्स पार्टी ने अपने रिजर्व सीट के वोट लिए, पीपल्स पार्टी ने इत्यादियों के वोट लिए, तहरीक इंसाफ का कोई वोट पीपल्स पार्टी ने नहीं लिया, जिसका ये हम पर इल्जाम लगाते थे जनाब खरीदारी हो गई, जनाब फलां हो गया, जनाब भिमकाना हो गया। देखिए आज ये इलेक्शन हुआ है, कल नहीं परसों ये 30 सरकार आपके सामने मौजूद होंगे, पूछ लीजिएगा इनसे कि इन्हें किसने अगवा किया था, इनको कौन गिरफ्तार लेकर कल, ये कोई बिल्ली के बच्चे तो नहीं है, कबूतर तो नहीं है कि पिंजरे में बंद करके आप ले गए, ये जीते जाते इंसान है भाई, इनसे पूछा जा सकता है आज नहीं तो कल नहीं तो परसों, खबर करें जमात इस्लामी की। ठीक है, पूछ लीजिए, आपका इनिशियल कमेंट भी आ गया इकबाल साहब का। मुस्लिम परवेज साहब, आपसे मेरा सवाल है कि अब जमात इस्लामी ने वही जो पहले कहा था अभी भी यही कहा है कि नताइज मुस्तरद करते हैं, ये धांधली ज़दा इलेक्शन है और जुदोकोप करके रखा गया, पीपल्स पार्टी ने अपने सेफ हाउस में रखा, ये तमाम स्टेटमेंट्स कल तक आते रहे, आज भी ये बात सामने आई और हिकमत अमली भी वाजे नहीं की गई, लेकिन एक बात कह दी गई कि ऐवान अदालत और सड़क तीनों ऑप्शन मौजूद हैं, जमात इस्लामी जो इस वक्त करने जा रही है वो जमहूरी अमल है, कर सकती है, लेकिन सवाल ये होता है पैदा कि PTI के साथ आपका एग्रीमेंट था, MOU साइन हुआ था, जो 30 अरकान हैं मुंतखब उन्होंने वोट ना कास्ट किया और PTI से आपने सवाल किया कि इनके खिलाफ क्या किया जाएगा, कोई लीगल एक्शन लिया जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, देखिए मेरे सामने जो गुफ्तगू कुछ समझ आई है कुछ समझ नहीं आई मेरे भाई की या बात साहब की, उसमें एक बात तो ये कि आवाम का मैंडेट जो है वो दोहराया गया है 2-3 मरतबा, इसमें अवाम ने जो मैंडेट दिया था वो PTI को 63 सीटें जो हैं उनको मिली, जमात इस्लामी को 130 मिली, पीपल्स पार्टी को 155 मिली, मुस्लिम लीग को 14 मिली, JUI को 4 मिली, बाकी दो को एक एक मिली। ठीक है, ये था अवाम का मैंडेट। अब उस मैंडेट का जो इस्तेमाल था अपने नुमाइंदों के जरिए से
वो पार्टीज ने करना था, वो मुंतखब नुमाइंदों ने करना था, और उसके लिए ये तय किया गया कि मुस्लिम लीग ने और जे यू आई ने उनका साथ देना था, पीपल्स पार्टी का जो उन्होंने तय किया उनकी पार्टियों ने, और पीटीआई ने तय ये किया कि वो जमात इस्लामी का साथ देगी। बिल्कुल ठीक। कोई एमओयू, इसका कोई एमओयू साइन नहीं था, कुछ नहीं था। पीटीआई ने आज खुद जो है ये बात रखी सामने कि वो साथ देंगे और अनकंडीशनल जो है वो हमारा साथ देने के लिए तैयार हुए। ये बात बिल्कुल रोजे रोशन की तरह है, बिल्कुल ऐसा ही है। उसके बाद उनके पानी ने, उनके सूबाई सदर ने, उनके कराची के सदर ने, और फिर कराची के सदर ने एक पार्लियामेंट्री लीडर मुकर्रर किया उसको, और उन्होंने भी ये बयान दिया कि हम सब जो है वो जमात इस्लामी को वोट देंगे। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अब ये कि ये अफराद जो नहीं आए उन्होंने इनकार कैसे किया? देखिए, एक फर्द ऐसे भी आए जो यहाँ पर उन्होंने न जमात इस्लामी को वोट दिया और न किसी और को वोट दिया, शमीम नकवी साहब मोहतरम, ठीक है, और उसकी वजह यह थी कि वो अपनी सूबाई असेंबली की नशिस्त को बरकरार रखना चाहते थे, लिहाजा उसने यहाँ पर जो है ना वोट दिया, ना हल्फ उठाया, ना वो अब आइंदा मेंबर है यहाँ के जो उन्होंने डिक्लेयर किया। ये बात इसी तरीके से अगर वो बकाया मेंबर्स आकर यहाँ पर ये कहते हैं कि जमात इस्लामी को हम वोट नहीं देंगे, वो चाहते पीपल्स पार्टी को वोट देते, वो चाहते तो शमीम नकवी साहब की तरीके से बगैर वोट दिए खामोश बैठे रहते कि हम किसी की भी तरफ नहीं है, ठीक है, लेकिन उनका ना आना जो है वो क्या साबित करता है? हम कतई किसी से ये नहीं कह रहे कि वो लाकर बिठा देते हमारे कहने से। हमारा सवाल ये है इलेक्शन कमीशन से भी, हुकूमत वक्त से भी, और यहाँ के लोगों से भी कि वो लोग कहाँ चले गए? वो लोग क्यों सिर्फ फोटोज में छलक नजर आती थी कि साहब इन्होंने, और बहुत दिन से फिर ये बात आनी शुरू हो गई कि 30 अफराद जो है वो ये काम करेंगे, 30 अफराद ये काम करेंगे, उन्होंने एक पार्लियामेंट्री लीडर बना लिया अपना और उसने ये बात कह दी। सवाल ये पैदा होता है कि वो 30 अफराद जो है वो गायब क्यों हो गए? ठीक है, उनमें से मैदान में क्यों नहीं आए? उन्होंने आकर क्यों नहीं ये बात की कि भाई हम आ गए हैं पार्लियामेंट में, उनको कोई कुछ कह तो नहीं रहा था, जमात इस्लामी ने किसी के साथ जबरदस्ती तो नहीं की है? ठीक है, वो आते और कहते कि भाई हम नहीं दे रहे, हमारी पार्टी जो है उसने बेशक हमें कहा है लेकिन हम अपनी पार्टी के साथ नहीं है, हमने अपना एक अलग ग्रुप बना लिया है, लेकिन इस तरह की कोई चीज नहीं हुई है। तो जब कोई फर्ज सामने ना आए तो इसका मतलब यह है कि उसको जोर और जबरदस्ती से किसी ने रोका है, कहीं वो रोका गया है, और ये बात तो बहरहाल सबूतों के साथ मौजूद भी है, लेकिन मैं कोई ऐसी बात नहीं कहना चाहता कि जिसके नतीजे में ये महसूस हो कि साहब कोई इल्जाम तराशी हो रही है। मैं तो हकायक पर बात कर रहा हूँ कि वो आखिर कहाँ चले गए। मैं पूछ लेता हूँ ना कि कहाँ चले गए, आपका कहने का मतलब तो यही है ना, डायरेक्टली इनडायरेक्टली के कहीं ना कहीं सियासी जमात या फिर पीपल्स पार्टी प्रेशराइज कर रही थी, ऐसा ही है? इसको ये कहा जा सकता है कि पीपल्स पार्टी ने उनको किसी ना किसी तरीके से प्रेशराइज करके रोका है। ठीक है, मैं पूछ लेता हूँ। खबरें तो इस तरह की और भी बहुत सारी हैं मौजूद, वो खबरें खुद इकबाल साहब बता। अच्छा, मेरा एक सवाल है, मैं पीपल्स पार्टी की तरफ जाने से पहले आपसे सवाल करना चाहता हूँ। वो जो 30 अरकान थे मुंतखब पीटीआई के, आपकी सियासी जमात ने या फिर पीटीआई की जो सूबाई कयादत है, जो कराची की कयादत है, उसने राबता करने की कोशिश की उन 30 लोगों से? यकीनन जो है राबता करने की कोशिश भी की गई और उनकी जवाब क्या मिला? उनकी बातचीत भी हुई, लेकिन वो इतने खौफजदा थे कि या तो वो बात करते नहीं थे, या अगर आधा पौना पाव कोई जुमला होता था तो वो फौरन ये कहकर बात काट देते कि हम इस वक्त जो है ऐसी जगह फंसे हुए हैं जहां से हम जवाब नहीं दे सकते आपको। ये अल्फाज, इस तरीके की चीजें जो है वो सामने आ रही थी। फिर इनके वो अफराद जो हमारे साथ आज यहाँ मौजूद थे, उनका भी कभी ना कभी किसी न किसी तरीके से रابطہ हुआ, तो उनको भी इसी खौफजदगी के आलम में ये बात कही जाती थी कि इस तरीके की चीज हमारे साथ है और हम जो है। अच्छा, आपको याद है, आपको याद है यूसी चेयरमैन असद अमान का एक वीडियो बयान जारी आया था, उसके बाद ये भी कहा गया कि वो कुछ अरसे से लापता थे, FIR भी दर्ज कराई गई, और फिर उसके बाद उनके भाई से भी रابطہ किया गया, फिर एक वीडियो पैगाम मंजर आम पर आया, तो ये कहा गया उसके बाद सेफ हाउस में रखा गया था पीपल्स पार्टी के लोगों ने, यूसी चेयरमैन को, जो पीटीआई के यूसी चेयरमैन उनको, लेकिन कोई ऐसा प्रूफ नहीं मिलता इन 30 लोगों का, मुस्लिम परवेज साहब, कि वो इस बात का बरमला इजहार करें, या तो कह दें कि हमारे साथ जो है वो ऐसा सलूक रखा गया कि हम मजबूर थे आपको वोट ना देने पर। वो ये वजाहत देते नजर आए, असद अमान ने भी ये कहा कि हमें पार्टी पॉलिसी के अंदर एतमाद में नहीं लिया गया कि जमात इस्लामी को वोट देना है। देखिए,
देखिए पार्टी पॉलिसी जो होती है ना, वो पार्टी अपने तौर पर किसी ना किसी जगह बैठकर फैसला करती है। वो ऐसा नहीं होता कि आधे लोगों को भी ये कह देती है कि भाई तुम हमारे एतमाद के हो, तुम जाकर वोट दे दो, और आधे लोगों को वो ये कहती है कि नहीं तुम हमारे एतमाद के नहीं हो तो हम तुमसे कोई मशवरा नहीं करेंगे और तुम मर्जी है तुम्हारी, तुम वोट देना या ना देना। ऐसा नहीं होता। कैलकुलेटेड चीज जो है वो सामने थी कि भाई कितने अफराद के साथ जो हमें ये काम करना है, वो काम उतने अफराद के साथ हो गया। ये तो पूरी कैलकुलेशन थी ना नंबर। लेकिन आपको याद होगा माजी के अंदर भी ऐसे फैसले किए जाते रहे हैं पार्टी के अंदर, पॉलिटिक्स जब होती है। आपको याद होगा फिरदौस शमी नकवी जो है वो हिजबे इख्तलाफ थे सिंध असम्बली के, फिर उसके बाद हलीम आदिल शेख को लाया गया। तो बहुत से एमपीए कराची के ऐसे थे जो फिरदौस शमी नकवी के साथ थे उस फैसले के अंदर, जबकि पार्टी पॉलिसी के अंदर बहुत से एमपीए साथ थे। दो धड़ों में थी पीटीआई, आपको याद होगा यही सेम सिनेरियो था। जी बिल्कुल, आपकी बात दुरुस्त है, ऐसा होता है। लेकिन वो सामने थे या कहीं छुपे हुए थे? मेरा सवाल जो पहला जहां से मैंने अपनी गुफ्तगू की इब्तिदा की थी वो यही था कि वो यहाँ आकर ये कह सकते थे ना हाउस में कि ऐसा जो है हमारा ये इख्तिलाफ है लिहाजा हम वोट नहीं देंगे। वो कहीं छुपकर ये जुमले क्यों कह रहे थे? मेरा सवाल यही तो है। चले इकबाल साहब ने एक जुमला कहा कि ये लोग कहीं ना कहीं तो अगर है बैठे हुए तो इनसे कल भी जवाब तलब किया जा सकता है, परसों भी जवाब तलब किया जा सकता है, अगर ये पार्टी छोड़ना चाह रहे हैं उसकी वजह भी आ जाएगी। जी 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 दुरुस्त बात है, वो तारीख का हिस्सा होगा वो कभी ना कभी, लेकिन उस वक्त तक तो बहुत सारा पानी जो है पुलों के नीचे से बह चुका होगा। मैं पूछ लेता हूं, बात जो है आज होनी चाहिए थी, उनको आज जो है वो आने देना चाहिए था। ठीक है, ठीक कि भाई ठीक है, आप जाकर हाउस में अपनी मर्जी के मुताबिक बिल्कुल ना दीजिए वोट जमात इस्लामी। बड़ा एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अदाना उनको काम करने नहीं दिया गया। आपकी उस बात को ही मैं लेकर चल रहा हूँ कि वो जो लोग भी थे अगर उन्होंने इख्तलाफ किया तो हाउस में बैठकर किया, वो मौजूद रहते थे। नहीं ठीक है, आपने बड़ी पॉजिटिव बात की, आपने बड़ा पॉजिटिव यहाँ पर स्टेटमेंट दिया। ठीक है, एक सवाल है बड़ा इंपॉर्टेंट, मैं आपकी तरफ भी बढ़ूंगा लेकिन मैं इसके ऊपर कमेंट ले लूं इकबाल साहब का। इकबाल साहब, जो बात की गई है मुस्लिम परवेज साहब की जानिब से, कहा गया कि जैसे फिरदौस शमी नकवी है उनके साथ उन समय तीन अरकान को बख्तरबंद में लाया गया प्रोडक्शन ऑर्डर्स पर, लेकिन वोट कास्ट नहीं किया। ठीक है, ये 30 लोग भी अगर आ जाते और वाजे कर देते कि हमें पीपल्स पार्टी से कोई मोहब्बत नहीं है, हम वोट नहीं देंगे, लेकिन हम जमात इस्लामी को भी वोट नहीं देंगे क्योंकि हमें पार्टी पॉलिसी में रखा गया, ये 30 लोग कहाँ गायब थे? आपको कुछ पता है इन 30 लोगों का? बिलाल मैं कुछ चीजें देखें, परवेज साहब ने अपनी गुफ्तगू में बहुत सारी चीजें की है, परवेज साहब ने अपनी गुफ्तगू में अपनी बात की नफी भी कर दी है। ये देखिए, तीन लोग जो FIR में थे, जो कस्टडी में थे, इलेक्शन कमीशन के ऑर्डर के मुताबिक उनको वोट डालने के लिए लाना था, जो गवर्नमेंट ऑफ सिंध का काम था वो उन्होंने किया और उनको लेकर आए, और जबकि हमें पता था कि इन्होंने हमारे खिलाफ वोट कर रहे हैं, हम उनको लेकर आए। पीपल्स पार्टी सिंध गवर्नमेंट ने उनको वोट डालने के लिए उनकी जिम्मेदारी को निभाया। आपको जो 30 अरकान हैं जो कि नहीं आए वोट डालने के लिए, क्या ये जिम्मेदारी पीपल्स पार्टी की थी कि वो 30 अरकान को ढूंढ के जना वैली लेकर आती और कहती जाए जमात इस्लामी को वोट करें? ठीक है, ये जिम्मेदारी हमारी नहीं थी। ये जो 30 अरकान है, ये जो 30 अरकान है जो सिटी काउंसिल के अंदर नहीं पहुंचे, उसकी जिम्मेदारी, उसकी जवाबदेही तहरीक इंसाफ की है, हमारी हरगिज नहीं है। और आपने 3 दिन पहले ये खबर ब्रेक हो गई थी कि 30 तहरीक इंसाफ के 3 अरकान, 3 UC चेयरमैन जो है, 30 UC चेयरमैन जो है, उन्होंने जमात इस्लामी को वोट देने में अपनी जमात के साथ, अपनी क़यादत के साथ तहफ़ुज़ात का इजहार किया है। ठीक है, अच्छा, अब साथ ही अभी परवेज साहब ने कहा कि जी आपने, आप ही के सवाल पर उन्होंने कहा कि जनाब लोगों से आपका रब्ता हुआ कि नहीं, उन्होंने कहा जी बिल्कुल हुआ, लेकिन उन्होंने आधा पौना जवाब दिया। इसका मतलब यह है कि वो लोग आजाद थे, इनका फोन उठाते थे और आधा पौना जवाब इनको देते थे। अब जो वो आधा पौना जवाब भी कहीं बैठकर अपना मोबाइल फोन यूज कर देते थे, तो भाई जदीद दौर है, टेक्नोलॉजी का दौर है, आप बिल्कुल चेक करें वो कहाँ थे। ऐसा ना हो 2 दिन के बाद कहीं उनकी पिकनिक बनाने वाली वीडियो आ जाए आपके पास। तो खुदा के लिए आपने इल्ज़ाम बराए इल्ज़ाम लगाना है। मैं फिर कह रहा हूँ, जब आपने काफ लीग का बात को रिमाइंड करूंगा मैं आपको, चले सदर काफ लीग ने अपनी जमात को कहा कि तहरीक इंसाफ को वोट नहीं करना। मुझे बताएं उस वक्त जमात इस्लामी क्यों खामोश थी, उस वक्त तहरीक इंसाफ क्यों खामोश थी, उस तरफ इनकी पार्लियामानी पार्टी को जमहूरी अंदाज में ले जाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में जजिस ने भी इंडोर्स किया। तो लेकिन आज जब ये पार्लियामानी सिटी गवर्नमेंट की पार्लियामानी पार्टी के मेजोरिटी लोगों ने इख्तलाफ किया थे जमात इस्लामी को वोट देने से, तो ये इस बात को तस्लीम क्यों नहीं करते? ये भी अच्छा, तो ये गुफ्तगू भी होती रहेगी। लेकिन एक सवाल यहाँ पर है, जरा आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन है इकबाल साहब, आपके लिए खासतौर पर, मुर्तजा वहाब बतौर मेयर कराची
कैसे रिएक्ट करेंगे, कैसे काम करेंगे, इस पर पूरा कॉन्फिडेंस में लिया गया है जमात को? देखिए मुर्तजा वहाब साहब जो है, तो अभी कुछ देर पहले जियो न्यूज के प्रोग्राम शाहजहां खानजादा के प्रोग्राम में मौजूद थे और मैंने देखा, उन्होंने कहा कि मैं तमाम सियासी जमातों को बशमूल जमात इस्लामी, बशमूल तहरीक इंसाफ, नून लीग, पीपल्स पार्टी, सबको इस शहर के लोगों ने मैंडेट दिया है, हर एक के मैंडेट को हम तस्लीम करते हैं, हम इनके आगे हाथ बढ़ाते हैं कि आए शहर की तरक्की में मिलजुल कर काम करते हैं और शहर की तरक्की, शहर को आगे बढ़ाते हैं। इलेक्शन आज होना था, इलेक्शन आज हो गया। वो जो 30 लोग हैं जमात इस्लामी का राइट नहीं है कि उनसे जवाब तलबी करे, तहरीक इंसाफ का राइट है। अब देखना यह है कि क्या तहरीक इंसाफ अपने ये रोल प्ले करती है या उन 25 अरकान की तरह उनको आजाद छोड़ देती है जो आज कौमी असेंबली में अपोजिशन में किरदार अदा कर रहे हैं, उनको इसी तरह छोड़ देती है या इनके खिलाफ एक्शन लेती है। अच्छा वैसे एक बात खान साहब, एक एक फायदा हुआ है आप लोगों का सिंध हुकूमत में होने का, अगर बुरा ना माने तो कहूं मैं वो बात। प्लीज, फायदा यह हुआ है कि तारीख में पहली दफा ऐसा हुआ कि किसी शख्स को लाकर बिठाकर सिखाकर हटाकर फिर मुंतखब कराकर, बल्कि मुंतखब कराने से पहले बिल में तरमीम कराकर बिठाकर फिर जिताकर अब मौका दिया जा रहा है खेलने का, कैसा लग रहा है? देखिए बिलाल एक बात बताऊं मैं आपको, जी जमात इस्लामी इस बात को बहुत ज्यादा इसको बढ़ावा देती थी इस बात को। सवाल यह है कि अब्दुल सत्तार अगवानी जो है, क्या वो इलेक्ट हो कर आए थे या किसी तरमीम के जरिए आए थे? क्या नेमतुल्ला खान इलेक्ट होकर आए थे या किसी तरमीम के जरिए आए थे? मुस्तफा कमाल इलेक्ट होकर आए थे या तरमीम के जरिए आए थे? नसीम जलील इलेक्ट होकर आई थी या तरमीम के जरिए आई थी? भाई ये कोई सिंध की तारीख में, कराची की तारीख में पहली बार नहीं हुआ, ये कोई अचंभे की बात नहीं है, माजी में ये होता रहा है। ठीक है, पीपल्स पार्टी ने यह अमल कर लिया तो आप कहते हैं कड़वा कड़वा थूथू और मीठा मीठा, मतलब आप उम्मीद की जा सकती है ना मुर्तजा साहब से, क्योंकि 1.5 साल के अरसे कम उबेश या इससे ज्यादा एडमिनिस्ट्रेटर कराची रहे हैं, सीख गए सारे काम के, एडमिनिस्ट्रेशन कैसे चलती है, म्यूनिसिपल कमीशन और फिर आपका केएमसी ऑफिस, ये तमाम चीज़ें सीख चुके हैं, बेहतर तरीके से काम कर सकते हैं अगर इंटर पॉलिटिक्स ना हो, अगर लोकल गवर्नमेंट से आपको पूरे फंड्स मिले, ऐसा ही है। बिलाल बिलाल मैं अक्सर ये कहता हूँ ये शहर बड़ा बेचारा शहर है, इस शहर इसको बेचारा बनाया किसने? सर इस शहर के साथ माजी में, सुनिएगा मेरी बात मुकम्मल होने दीजिएगा, इस शहर के साथ माजी में ये होता रहा कि यहाँ के कौमी असम्बली के मेंबर हुआ करते थे वो एक जमात के थे, यहाँ की सूबाई हुकूमत दूसरी जमात की थी, यहाँ के लोकल बॉडी के की कामयाब जमात कोई और होती थी, तो ये शहर बेचारा तकसीम रहता था और इस शहर में झगड़े फसाद इसी बात के रहते थे और एक दूसरे को काम करने में तकलीफ होती थी। ये आज तारीख में पहली बार होगा कि सूबाई हुकूमत भी हमारी है, फेडरल में भी हम पार्टनर हैं और लोकल गवर्नमेंट भी पीपल्स पार्टी के खाते में चली गई, तो इस शहर की तरक्की में बहुत अहम किरदार अदा कर सकते हैं, बहुत आसानी के साथ, बहुत फॉरवर्ड तरीके से, बहुत तेजी। पीपल्स पार्टी ने बड़ी मेहनत की है मेयर की सीट हासिल करने में, इज दैट राइट? पीपल्स पार्टी हर पॉलिटिकल पार्टी मेहनत करती है, ठीक है, मैंने पीपल्स पार्टी ने ज्यादा की है मेहनत नजर आ रही है। नहीं पीपल, हम जमात इस्लामी के मैंडेट को भी तस्दीक करते हैं कि शहर कराची के लोगों ने जमात इस्लामी को भी एक मैंडेट दिया है। अच्छा चलिए शुक्र है आपने एक्सेप्ट किया। पीपल्स पार्टी ने ज्यादा सीटें जीत ली, हमने जमात इस्लामी को खुले दिल के साथ पहल की थी कि आए इदारा नूरुल हक गए थे भाई, आए बिस्मिल्लाह करें आप डिप्टी में ले, मेरा हमारा सीटें हमारी ज्यादा है, आप ये तीसरी पार्टी के पास गए जो तीसरे नंबर पर थी। ठीक है मुस्लिम मुस्लिम परवेज साहब, आप आपकी तरफ मैं बढ़ूंगा, मुस्लिम परवेज साहब ऑफर दे रहे हैं खुले दिल से बगलगीर होने की भी बात की जा रही है, आप लोगों की हिकमत अमली क्या है, आप वाजे करेंगे? अच्छा पहले मैं एक छोटी सी बात अर्ज कर दूं, असल में हम जो है बात को पूरी तरह गौर नहीं करते और सवाल चना और जवाब गंदम पर शुरू हो जाते हैं। मैंने कतई ये नहीं कहा था कि पीपल्स पार्टी की जिम्मेदारी थी कि वो लोगों को लाती, बकाया जो लोग 30 अफराद नहीं आए हैं, मैंने तो ये अर्ज किया है कि वो 30 अफराद खुद आकर उसी तरीके से ये बात कर तो सकते थे ना हाउस में कि भाई हमें ये पसंद नहीं है, वो क्यों नहीं आए, मेरा सवाल ये था। तो आप अपने इत्तेहादियों से पूछ सकते हैं उसमें ये बात, वो अगर ये कहें कि भाई लाने उनकी जिम्मेदारी नहीं थी तो ऐसी कोई बात नहीं है कि उनकी जिम्मेदारी नहीं थी, ये मेरा ख्याल ये है कि तिनका तलाश करना चाहिए, शायद आ जाए बीच में, तो ये तो एक बहुत मोटी की बात थी। अच्छा मुझे एक बात बताए मुस्लिम परवेज साहब, चले उनकी जिम्मेदारी नहीं थी आपने क्लियर कर दिया, ये जिम्मेदारी अब किसकी बनती है कि उन 30 लोगों से पूछा जाए कि क्यों नहीं वोट दिया आकर, किसकी जिम्मेदारी है? ये तो वो खुद ही आकर बता देंगे कि उन्होंने क्यों वोट नहीं दिया था। भाई आप लोग सिंध हाई कोर्ट तक चले गए, आप मुस्लिम परवेज साहब बड़ी माजरत के साथ, आप लोगों ने उनके साथ जिस तरह सलूक रखा वो बड़ा बेहतर था,
आप सिंध हाई कोर्ट तक गए, चीफ जस्टिस ने पूछा कि इनके अपने जो रुफका हैं वो कहाँ हैं, इनके अपनी पार्टी के लोग कहाँ हैं, तो हाफिज साहब ने यही कहा था ना कि ये मेरे वोटर्स हैं, मैं इनके लिए आया हूँ। तो अब आपकी जिम्मेदारी नहीं बनती कि आप इन 30 लोगों से पूछे कि कहाँ हो भाई? हाँ बिल्कुल, मैंने तो अर्ज किया कि पूछा था, और मतलब डायरेक्ट तो नहीं ना, यकीनी बात है हम पूछ सकते हैं, वो तो उन्हीं की पार्टी के अफराद ने जो है कोशिश की थी उनसे। नहीं, आपके वोटर्स भी नहीं ऐड करें, मैंने तो आपको बताया ना। अब उसको मैं ये तो यही कहूंगा ना कि जी हमने पूछा जी, मैं तो इसी तरह से बात करूंगा ना, बिल्कुल ऐसे ही करेंगे। अब वो कौन से जराए इस्तेमाल किए गए थे उनकी पार्टी के, किन लोगों ने किस तरीके से बात की थी, हल्का सा टच मैंने वो पहले भी दिया था आपको। अच्छा, अब उसके बाद जो है वो फिर आगे की बातें जो है वो फरमा रहे हैं कि जी वो हाउस में ये और ये, बार फिर वो इस तरह से बात हो जाती है कि ऐसा लगता है जैसे हम आपस में कोई इल्जाम तराशी कर रहे हैं। अच्छा, एक सवाल का जवाब देंगे आप मेरे, एक जुज्वी सवाल है, एक जुज्वी सवाल है आपके कमेंट के बीच में। फिरदौस शमी नकवी समेत तीन अरकान आते हैं बख्तरबंद में, लाए जाते हैं, जो कि हुकूमत की जिम्मेदारी थी। सईद गनी ने पहले ही कहा था ये हुकूमत की जिम्मेदारी है, हुकूमत इनको पहुंचाएगी किसी भी तरह आर्ट्स काउंसिल, पहुंचाया, उन्होंने वोट कास्ट नहीं किया। जो वॉलंटियर थे, जो आजाद थे, जो गिरफ्तार नहीं थे, उनकी जिम्मेदारी तो आप लोगों की थी या पीटीआई की थी ना, कि कम से कम भाई, मैंने कल रात में भी पूछा था प्रोग्राम में कि आपसे राबते में है, एडवोकेट सैफुद्दीन साहब ने कहा कि राबते में बिल्कुल है, आएंगे वोट कास्ट करेंगे, वो राबता मुनकता कैसे हो गया फजर की नमाज तक? नहीं देखिए, सैफ साहब ने क्या कहा था वो तो सैफ साहब ही जवाब देंगे, मतलब तो पार्टी का मौका था कि रास्ते में जी, मैं अर्ज कर रहा हूँ ना जी, मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ, बता रहा हूँ आपको मैं कि कुछ जराए जो थे वो डायरेक्ट तो नहीं थे हमारे उस तरीके से, ठीक है, रास्ता ऐसे ही था कि जो लोग हमारे रास्ते में आ रहे थे, जो आज अफराद आए हैं वही लोग रास्ते में भी थे ना, जो रास्ते में थे वो आ गए थे, जो रास्ते में नहीं थे उनसे रास्ता उन्हीं की पार्टी के लोगों का था, हमारा तो उस तरीके से रास्ता नहीं था, जिन मानों में बिल्कुल डायरेक्ट ये बात हो रही है कि आप रास्ते में थे। बहरहाल ये एक अलग इश्यू। अब रही बात ये कि जी जो तीन अफराद उन्होंने प्रोड्यूस कर दिए थे, अल्लाह करता कि वो बकाया 31 को पकड़ के बंद कर देते, एफआईआर काटते और उनकी मजबूरी होती को लाकर यहाँ वोट डलवा देते तो हमें तो मिल जाते 100% वोट। वो छोड़ा ही इसलिए, मैं तो इस खौफ में था कि कहीं ऐसा ना हो कि दो दिन पहले जो है ये बकाया जो अफराद हैं उनको भी जमानत पे रहा कर दें और वो भी बेचारे जो है गायब हो जाए, 31 के साथ शामिल हो जाए, मैं तो इस उस चक्कर में था। वो तो शुक्र है कि वो तीन अफराद बहरहाल मौजूद रहे और वो तीन में भी इस तरीके से रहा कि शमीम नकवी साहब को तो गायब किया हुआ था, जब जज साहब ने डांटा आईजी साहब को कि भाई वो मौजूद है और हमें पता है कि वो वहां पर जो है वो दिल का मरीज है और हॉस्पिटल में जमा है, तो आधा घंटे के बाद उन्होंने आकर बताया कि हाँ वो हमसे गलती हो गई, एक मरीज वो है और एक मुल्ज़िम और एक मुजरिम जो है वो जमा है हमारे पास। तो ये इस तरीके से हुआ है सारा काम। मैं अर्ज कर रहा हूँ कि मैं इल्जाम तराशियों की और उसकी बात नहीं करना चाहता, हकीकतें जितनी खुलती चली जाएंगी। चले, इन शॉर्ट बता दे, मेरे पास वक्त कम रह गया, जमात इस्लामी क्या करने जा रही है, ऐवान, अदालत या सड़क? देखिए ये तो अभी जो है आज ये फैसला हुआ है, उसके बाद बैठकर जो है मशवरा होगा, मशवरे के बाद जो है जो भी तय होगा वो इंशाल्लाह ताला इस मशवरे में आपकी इत्तेहादी जमात पीटीआई आपके साथ है, सारी चीजें सामने हैं जो कुछ भी है, लेकिन अभी अदालत में एक फैसला जो बाकी है, ये बात भी अभी सामने आई थी थोड़ी देर पेशतर कि वो अफगानी साहब जो है वो कैसे मुंतखब हुए और नेमतुल्ला खान साहब, वो एक्ट ही ऐसा बना था, वो जो लोकल गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस था डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट का, वो एक्ट में लिखा हुआ ही यही था ऑर्डिनेंस में कि उसका इंतखाब इस तरीके से होगा। इस एक्ट में जो पीपल्स पार्टी ने ही बनाया था उसमें ये नहीं लिखा हुआ था कि बाहर से कोई फर्द ऐसे आ जाएगा, वो चंद दिन पहले जो है वो उसमें तरमीम की गई है और उस तरमीम को चैलेंज किया गया है। 22 तारीख को उसका फैसला आ जाएगा, जो भी फैसला है इससे खता नजर, हम ये बात नहीं करते कि ये फैसला आ जाए तो एक बंदा चला जाए और दूसरा बंदा आ जाए, मेरे लिए सारे अफराद मोहतरम है, नजमी आलम भी मोहतरम है और मुर्तजा वहाब भी मेरे लिए मोहतरम है, तो हम ये नहीं कह रहे कि एक आए और एक जाए, लेकिन ये एक अच्छा जेस्चर है, ये गुड जेस्चर है आपकी तरफ से, एक अच्छा जो है वो एक फैसला है कि भाई एक्ट में तरमीम जो है एन वक्त पर क्यों की गई, ठीक है, हमारी इतनी सी बात है, हमारी कोशिश ये है कि चीजें सब जो है वो ठीक हो जाए, उस वक्त के ऑर्डिनेंस में ये लिखा हुआ था। एक और बात जो है मुस्तकिल कही गई है, जो हमारी तरफ से जमात में किसी फर्द ने ये बात नहीं कही है कभी, एक बड़ी अजीब बात कही जाती है कि जी एमक्यूएम ने जब भी बायकॉट किया तो जमात इस्लामी जीत गई, इसमें सदाकत है नहीं है, अफगानी साहब जब जीते थे तो एमक्यूएम कहां पर थी, मुझे तो आज तक नहीं नजर आई कहीं, जब दूसरी मरतबा अफगानी साहब जीते तब भी एमक्यूएम मेरे कहीं पर मुझे, चले ठीक है, मेरे पास वक्त वक्त खत्म हो गया है, बहरहाल बहुत शुक्रिया जी।
मैंने आपको बता दिया ना, ये तो चले ठीक एमपीएम है, का वजूद ही उस वक्त हुआ चले तो ठीक जब है, आपका आपका अफगानिस्तान कमेंट भी की कंप्लीट हो हुकूमत गया को खत्म किया इकबाल साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। बहरहाल मुबारक हो मुर्तजा वहाब साहब को और सलमान मुराद अब्दुल्ला साहब को। अब देखना यह है कि कराची के अंदर जो तब्दीली लाने की बातें एक सियासी जमात किया करती थी, लेकिन फ्रूटफुल सिचुएशन ये है कि सूबाई हुकूमत भी आपकी है और इस वक्त बल्दियाती हुकूमत भी आपकी है। अब तो प्रोजेक्ट जो है वो तेजी से होंगे क्योंकि फंड्स भी मिल जाएंगे, फंड्स का रोना भी नहीं होगा। बहरहाल वक्फे की तरफ जा रहे हैं दोनों मौजूद मेहमानों को शुक्रिया। वक्फे के बाद आके साइक्लोन बिपरजॉय के हवाले से आपको अपडेट करेंगे।